हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बजाज पल्सर की पल्सर 150 की क्लच प्लेट टाइमिंग चेन और हेड के वाल की जो है फिटिंग करेंगे। तो अभी हम आपको उसकी फिटिंग क्लच की फिटिंग कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो है क्लच बैलेंसर है, जिस बैलेंसर बोलते हैं इसके, जो अगर हम इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तब भी ये वाइब्रेशन करेगा, अगर हम इसको कम टाइट करेंगे तब भी ये वाइब्रेशन करेगा। तो हम अभी आपको बता देंगे इसको कितने पे रखना है। तो आप देख सकते हो ये हो गया एक और दो, ठीक है, एक और दो, दोनों साइड से हमने इसको दो दो में सेट कर लिया है। बाद इसके बाद इसकी वाशर आएगी, तो आप देख सकते हो यहाँ इसका जो निशान है, जो सामने आपको निशान दिख रहा है, ये यहाँ जो चैम्बर पे लगा हुआ निशान इसके साथ मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये निशान जो है इधर मिलेगा। इसके बाद हमने इसमें टाइमिंग चेन डाली, तो देख सकते हो आप टाइमिंग के बाद इसकी काटर लगा दी हमने। इसका प्राइमर गियर आ गया, जो इसका निशान लगा हुआ है वो बाहर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो निशान है वो इसके सामने चैम्बर वाले निशान से मिल रहा है। तो इसके बाद इसका जो है क्लच हाउसिंग आएगा। बड़ा जो वाशर का बड़ा कट्टा है वो अंदर की तरफ जाएगा और जो छोटा कट्टा है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो आप देख सकते हो जो इसका बड़ा कट्टा है वो हम इसके अंदर की तरफ कर रहे हैं। इसके बाद इसका क्लच सेंटर आ गया। क्लच सेंटर के बाद क्लच प्लेट आ गई। इसके बाद इसकी प्रेशर प्लेट आ गई। फिर से क्लच प्लेट आ गई। फिर से प्रेशर प्लेट आ गई। और ये हमने तीसरी क्लच प्लेट डाल दी इसके अंदर। फिर इसके बाद दोबारा इसमें प्रेशर प्लेट आएगी और इसके बाद इसमें चौथी क्लच प्लेट डाल दी हमने। देख सकते हो आप इसके बाद कट वाली प्रेशर प्लेट है वो सबसे टॉप में आएगी और इसमें जो छोटे दाएं वाली है वो उसके सबसे बाहर आएगी। और अब इसका क्लच अब आ गया। क्लच अब के जो सीधे वाली वाशल है वो नीचे की तरफ जाएगी और जो तिरछे वाली है वो बाहर की तरफ आएगी। देख सकते हो आप, हमारा जो क्लच है वो प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है, जो अपने जगह पूरी प्रॉपर तरह से जो इसकी फिटिंग हो चुकी है।
इसके बाद एक वाशर आएगी, वाशर के बाद इसका नट आएगा जो इसके अंदर पहले लगा हुआ है, आप देख सकते हो। के बाद इसके चार स्प्रिंग आएंगे, इसके बाद इसका क्लच का वेट आ गया, क्रैंक का वेट आ गया, फिर बाश लागे इसकी जो बाहर की तरफ निकली है, जो उसकी कॉलर का जो मुंह बाहर की तरफ निकला हुआ है वो बाहर की तरफ रहेगा। बैलेंसर की वाशल आ गई ऊपर, ये फिर बैलेंसर का ढक्कन आ गया ऊपर से,
फेयरिंग आया। ये हमारा क्लच पूरा असेंबल हो गया।